उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से झांसी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। कई परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपनी रात स्टेशन पर या बस स्टैंड बिता रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए प्रशासन के साथ साथ अब कई सामाजिक संगठनों ने भी आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया है। झांसी के माधव स्मृति भवन में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने यह इंतजाम किया है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहा है, अगर उसके पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है तो वो सीधा माधव स्मृति भवन में आकर रुक सकता है। वहां पर उनके रहने, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा ताकि वो अपनी रात अच्छे से बिताकर एक बिल्कुल अच्छे मन से, फ्रेशनेस के साथ जाके एग्जाम दे सकें और वहां पर पूरी एकाग्रता से परीक्षा दे सकें। नाम को कहां से है? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और मैं बिहार से चंपारण से आया हूँ। आपको कैसे जानकारी हुई कि झांसी में परीक्षा देने जाएंगे, तो कहां रुकेंगे, एक दिन पहले पहुंचे तो क्या आपने प्लान बनाया था, फिर यहां कैसे? कोई प्लान नहीं थी, सोचा था कि स्टेशन पर रुकेंगे, फिर पता चला अपने किसी शाखा बंधु से पता चला कि यहाँ भी एक व्यवस्था है, इसलिए हम लोग वहाँ से, उन्होंने नंबर दिया और मैंने कांटेक्ट किया, फौरन रिस्पांस मिला और फिर यहाँ आके, यहाँ के व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, घर की तरह यहाँ व्यवस्था है। कहाँ से? मेरा नाम धीरज है, राजस्थान डीग जिले से। आप यहाँ पे झांसी आए तो क्या इंतजाम मिले आपको परीक्षा से रुकने के लिए, कैसे इंतजाम? अच्छे, जो भी है सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा, यही कार्यालय पे किया गया सब। पुरुष के साथ यहाँ महिला अभ्यर्थियों के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए, उनके लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। हमने उनसे भी जाना कैसी सुविधाएं थी। रवीना हरियाणा से। रवीना बताइए, कैसे आपको जानकारी हुई कि झांसी में पहुंचेंगी, तो क्या योजना थी, कहाँ रुकेंगी? जब हम आए थे तब तो हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं थी इस भवन के बारे में, तब तो हम कहीं धर्मशाला वगैरह या होटल वगैरह में रुकने वाले थे, तो फिर हम आ रहे थे, हमें कुछ मिला नहीं था, वो सारी बुक हो गई थी, तो हमें एक मेडिकल वाले भैया ने बताया कि अगर आपको कहीं धर्मशाला वगैरह ना मिले तो आप उधर भवन में चले जाना, तब हम इधर आ गए पूछ के। आप यहाँ पे आए कैसे, इंतजाम तो अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ जी, अच्छा था सब कुछ। हमने माधव स्मृति भवन के कार्यालय प्रमुख से बात की, उनसे जाना है कि क्या इंतजाम किए गए हैं और कहां कहां से कार्यकर्ता लगाए गए हैं। हमने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में अपने कुछ लोगों को बैठाया है, जो बच्चे भटक रहे हैं, जगह जगह पड़े हैं, मन उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय माधव स्मृति भवन में और रुकने की व्यवस्था की है, उनके भोजन की व्यवस्था की है ताकि वो यहाँ रह सकें और जा परीक्षा दे सकें। तो अगर आप भी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने झांसी आ रहे हैं और रुकने या ठहरने का कहीं इंतज़ाम नहीं है, तो झांसी के माधव स्मृति भवन में आप जा सकते हैं, वहाँ आपके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। लोकल टीम के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।